देखिए पहले तो इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह से अलग थलग हो रहा है इससे कोरिलेट मत कर ना करा जाए, क्योंकि जो ये मिलिट्री ऑपरेशंस हैं ये मौका है, समर्स हैं, बर्फ़ पिघल चुकी है, यही विंडो है इनके पास, उसके बाद बरसात का प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो यही महीना है जिसमें घुसपैठ होनी है और इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। और ये जो गोलाबारी होती है, ये सीज फायर, ये बेसिकली इन्फिल्ट्रेशन के लिए होती है, जैसे आपने पहले भी बताया, और आप देखेंगे इस फायरिंग से हमारी तरफ कुछ जानी नुकसान नहीं होता है, लेकिन इसके कवर में वो लोग इन्फिल्ट्रेशन के लिए भेजते हैं, और इसका मुंह तोड़ जवाब जो हम लोग बोलते हैं वो हम लोग फायरिंग से नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि पिछले 6 दिनों में उनके 13 मिलिटेंट्स को भी मारा है, तो जो उन्होंने मुद्दा हासिल करना चाहा फायरिंग करके इन्फिल्ट्रेट करने का, उसको नाकाम कर दिया गया। तो ये प्रक्रिया है जो कि चल रही है, और आपको जैसे मालूम ही है कि वहाँ पर मिलिट्री रूलर, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी ज़्यादा बोलबाला है, तो इसलिए वो अपना काम करेंगे और करते रहेंगे जब तक कि उनके ऊपर और कोई दबाव न लाया जाए।